भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, कैसे कहें हम नहीं रहे, कैसे कहें हम वो दिवंगत हो गए, और कैसे कहें कि वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी व्यक्ति नहीं बल्कि विचार थे और विचार कभी मरा नहीं करते। विचार चिरकाल तक रहते हैं, जब तक तब तक ये जहान है। पेश था सिटी वन चैनल की एक विशेष रिपोर्ट, अनंत में अटल। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 93 साल का सफर आखिरकार 16 अगस्त को 5:05 पर अंत हो गया, और ठीक उसी वक्त अटल जी की आत्मा की अगली यात्रा भी शुरू हो गई। कई दिनों से एम्स में भर्ती भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मौत को कई बार मात दी, लेकिन अंत में जीत आखिर मौत की ही होती है। 48 घंटों से भी ज़्यादा मौत से लड़ते हुए आखिरकार उनकी सांसों ने उनका साथ छोड़ ही दिया। शायद इस शानदार शख्सियत वाले इंसान के हथेलियों की लकीरों में बस इतनी ही सांसें दर्ज थीं। शाम से ही भारत के इस रत्न के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम एम्स के बाहर पसर गया। भीड़ में शामिल हर एक शख्स की आंखें उन्हें अपनी अंतिम विदाई दे रही थी। किसी को लगा कि उसका नेता जा रहा है, तो किसी को लगा उसके घर का कोई विदा हो रहा है, और किसी को लगा उसका बाप या उसका दादा अब नहीं रहा। भले ही अटल जी की आवाज़ लगभग 10 वर्षों से खामोश हो चुकी थी और वो पूरी तरह से खामोश थे, मगर उनका साया सबके लिए किसी ताकत से कम नहीं था। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्हें पितामह कहना गलत ना होगा, और पितामह भी ऐसा जो कुछ दिन नहीं बल्कि कई सालों से मृत्युशैया पर मौत से अटखेलियां खेल रहा हो। जहां एक ओर बीजेपी ने अपने इस पितामह को खोने पर इसे अपनी व्यक्तिगत हानि मानते हुए यह कह रही है कि उनके जाने के बाद इस शून्य को कभी भरा नहीं जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि वह राष्ट्रीय पार्टी के नेता नहीं बल्कि राष्ट्र नेता थे। 93 साल के इस विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की मौत के बारे में जिंदा रहते क्या सोच थी, उसे सिर्फ इस लाइन से समझा जा सकता है। मौत, क्या तू जिंदगी से बड़ी हो गई, तेरी उम्र 2 पल की नहीं। अनंत में विलीन हुए अटल जैसी शख्सियत विरले ही पैदा होती है। अटल जी ने हर किरदार को बखूबी निभाया, एक राजनेता के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, या फिर एक इंसान के रूप में। ये सभी किरदार वाजपेयी जी ने इसके उच्चतम बिंदुओं तक जाकर निभाया, और जब कभी मुश्किल किरदार निभाने का मौका आया तो शायद मानो यही कह रहे हों कि मुश्किल किरदार ईश्वर हमेशा अच्छे एक्टर को ही देता है। अटल जी के जीवन में विरोधी तो थे मगर दुश्मन नहीं, और अगर हो भी तो उनके जैसी हैसियत वाले इंसान के जनाजे पर दुश्मन भी वो पड़े। हमें पूरी तरह से यकीन है कि उनकी आत्मा नया शरीर लेकर हमारे बीच जल्द ही आएगी। ईश्वर भी ऐसी आत्मा को दोबारा भेजने में देर नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी आत्माओं की ज़रूरत हमें बड़ी शिद्दत से है। अगर हमें अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के बारे में एक लाइन में कहना हो तो सिर्फ वो यही होगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, और मैं अगर ढल भी गया तो क्या चमक छोड़ जाऊंगा। श्रद्धेय अटल जी को सिटी वन परिवार की ओर से श्रद्धांजलि। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी।
हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।